अच्छा गोबर में बैठ नहीं सकते हैं आप, तो आपका भगवान गोबर में कैसे आ सकता है? यदि आप गोबर में बैठ नहीं सकते हैं, गोबर इतना अशुद्ध चीज है, तो फिर आपके भगवान उस गोबर में कैसे आ सकते हैं? पढ़े लिखे लोगों से कह दिया जाए कि भैया आप नहा धो लिए हैं, गोबर पे बैठ जाइए, क्योंकि इसमें भगवान रहते हैं, आप बैठ जाएंगे। अच्छा गोबर में बैठ नहीं सकते हैं आप, तो आपका भगवान गोबर में कैसे आ सकता है? यदि आप गोबर में बैठ नहीं सकते हैं, गोबर इतना अशुद्ध चीज है, तो फिर आपके भगवान उस गोबर में कैसे आ सकते हैं? पढ़ा लिखा समाज डिग्री लेने को ही अपने को हायर एजुकेटेड समझता है। अरे सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है, वरना तुम्हारी डिग्री लेना बिल्कुल एक कागज का सर्टिफिकेट है, एक कागज का दस्तावेज है। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना है, ना कि पूछना है। हमने अपने महापुरुषों की जाननी है, ना कि हम महापुरुषों को जानना है। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना गीत की पहली लाइन कहता है, निर्गुणी भाव श्री चरण दीवाना जी के द्वारा सुने। सिर्फ मैं वही इंजेक्शन यूज करता हूँ जिससे मलेरिया टाइफाइड वायरल फीवर हट ठीक हो जाए, चूंकि हमारे लोग वायरल फीवर से ग्रस्त हैं। मलेरिया टाइफाइड तो कभी कभी होता है, लेकिन वायरल फीवर इस टाइम बहुत तेजी से चल रहा है, तो वायरल फीवर का इंजेक्शन देने आ रहा हूँ। ये वायरल फीवर का इंजेक्शन है, कौन सा इंजेक्शन है? भारत में दो प्यारा नाम लहरे तो उठी ढेर, समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर, कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर माह में अगर बाबा साहब के लिए न कहा जाए, न बोला जाए, तो फिर हम लोग का गाना, हम लोग का बजाना, हम लोग का दिन रात समाज के लिए चलना व्यर्थ है। लहरे तो उठी ढेर, समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर, कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा यारों, किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान। सम्मान की कड़ी में सम्मान किया गया हमारे गार्जियन, बहुत पुराने साथी हैं आपके सानिध्य में, आपकी अध्यक्षता में पश्चिमी बिहार से लेकर के उत्तरी बिहार तक मंच लगने का कार्यक्रम किया गया। सम्मानीय एडवोकेट साहब हमारे गार्जियन बड़े भैया राम इकबाल राम जी के द्वारा सम्मान किया गया, बहुत सा रुपया दे करके और एक नीला किनारी वाला गमछा दे करके और सुंदर पुष्पहार सादर जय भी मुमुदा। माता जी की आत्मा ब्रह्मांड में चाहे कहीं भी हो, आत्मा को शांति मिले, पूरा परिवार हरा भरा खुशहाल। एक शेर अभी मैंने हाल में एक गीत में लिखा, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया, मगर मिसाल है मानवता का पेश कर गए, मिसाल है मानवता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। एक बात कह करके मैं गीत शुरुआत करूंगा, केवल धरती नीली नहीं दिख रही है, आसमान नीला दिख रहा है। केवल धरती पे ही अंबेडकरवाद का परचम नहीं लहरा है, आसमान में भी अंबेडकरवाद का लिखित तौर पे परचम लहरा चुका है।
शायद हमारे अंबेडकरवादी साथियों को, हमारे बहुजन समाज के साथियों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अंतरिक्ष में बाबा साहब के नाम का एक तारा बुक किया है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम का तारा केवल धरती पे नहीं, आसमान में भी आपके महापुरुष का परचम लहराना शुरू हो गया है। जिनकी लोग प्रतिमा तोड़ते हैं, जिनको छूने से लोग कतराते हैं, जिनको दलित कहते हैं, जिनको अछूत कहते हैं, तो आइए गीत की शुरुआत करते हैं उस महामानव के लिए। आज भारत में दो प्यारा नाम, भारत में दो प्यारा नाम, जय 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 भी काम सीमा, भारत में दो प्यारा नाम। आजकल तो पूजा पे लोग उतारू हो गए हैं, पूजने लगे हैं, पढ़ना कम जानते हैं, जयंती में भी पूजा भाव से आते हैं, हमारे भगवान का पूजा है, चलते हैं, शामिल होते हैं। भगवान का पूजा करने के बाद भर अप्रैल भगवान का पूजा करते हैं, और अप्रैल बीतने के बाद भगवान के विरोधियों का पूजा करते हैं। दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का है कि पूरे अप्रैल जयंती मनाते हैं अपने महापुरुषों की, और अप्रैल बीतने के बाद तुरंत वहां लग जाते हैं जिनको अपने महापुरुषों के लिए एलर्जी है। हमें पूजना नहीं है अपने महापुरुषों को, हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पढ़े जो इनको सुबह शाम, बने जाए सबकी गले चालू कर दिए, नारा लगाएंगे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मनोज भी अपरुणी ये आपके द्वारा सम्मान किया गया, फिर बाद में शांति स्नेह दुलार के काम। हमारे समाज के लोग खासतौर से फेसबुकिया नेता, पोस्टरबाज नेता लिख सीख लिए हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक दिन एक नेता को देख के फेसबुक पे अपना वीडियो डाले थे, नाम नहीं रखेंगे, हायर एजुकेशन बड़ी जरूरी है, ये लोग हायर एजुकेटेड हो करके देश में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इनको पता भी नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के पास अभी भी बीए पास का सर्टिफिकेट नहीं है, और बिना सर्टिफिकेट का प्रधानमंत्री देश को लॉक कर देता है, इनको हायर एजुकेशन चाहिए। अच्छा चलिए एक बार हम समझ भी लेते हैं कि आप लोग हायर एजुकेटेड हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो हायर एजुकेटेड होना, डिग्री धारी होना और सामाजिक ज्ञान होना, दोनों में बहुत फर्क है। बीए की डिग्री आप लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हो, पोस्ट पीएचडी आप किए हो, बीटेक आप किए हो, एलएलबी आप किए हो, और 5 साल का लड़का आपको कहता है जजमान जजमान। पढ़ने की जरूरत पढ़ने की है। 5 साल लड़का जिसके पास डिग्री नहीं है ना,
अगर सरकारी स्कूल में पढ़त हुई तो बेचारा एलकेजी तक पहुंचल हो सॉरी प्राइवेट स्कूल में, आ सरकारी स्कूल में पढ़त हुई तो बहन एक में ओकर नाम लिखा दे, उहो कह दे जज मान, और आप कहेंगे कि हाँ जज मान, जब जज मान तो कही गोबर के गणेश मान। और हमारा पढ़ा लिखा एलएलबी किया हुआ समाज जिसको जज बनने का सर्टिफिकेट सरकारी दस्तावेज मिला है कि वह जज बन सकता है, वह है अनपढ़ को जज मानता है, और जज मान करके कहता है कि मैं तो हायर एजुकेटेड हूँ, हम हायर एजुकेटेड है, मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, मेरे पास एलएलबी की डिग्री है, और उस मूर्ख को पता नहीं कि मैं एलएलबी करते हुए जज उसको मान रहा हूँ जिसके पास करना लगी एक का भी सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा देखिए ये पढ़ा लिखा समाज कितना अंधा और कितना मूर्ख है कि भगवान आ जाते हैं गोबर में गणेश बन कर, और उसपे वह पांच पांच लड़का 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया रखवा लेता है, चूंकि जे वही वह पढ़ा लिखा व्यक्ति गोबर को गणेश मान लेता है, वह लड़का समझ लेता है कि इसके दिमाग में गोबर के सिवा कुछ नहीं, ये डिग्री खाली सर्टिफिकेट नाम भर का लिया है, पढ़ा लिखा है लेकिन ज्ञानी ये इस सर्टिफिकेट वाला ज्ञानी है, इसको सामाजिक ज्ञान नहीं है, नहीं है। अब सुनिए समझो भैया, आप पढ़े हो, आप नहा धो के बढ़िया कपड़ा पहनते हो, अगर कह दिया जाए कि आप गोबर पे बैठ जाओ, बैठ जाओगे क्या? पढ़े लिखे लोगों से कह दिया जाए कि भैया आप नहा धो लिए हैं गोबर पे बैठ जाइए, क्योंकि इसमें भगवान रहते हैं, आप बैठ जाएंगे? अच्छा गोबर पे बैठ नहीं सकते हैं आप, तो आपका भगवान गोबर में कैसे आ सकता है? यदि आप गोबर में बैठ नहीं सकते हैं, गोबर इतना अशुद्ध चीज है, तो फिर आपके भगवान उस गोबर में कैसे आ सकते हैं?